छत्तीसगढ़ में इन दिनों धर्मांतरण पर जमकर सियासत हो रही है और अब इस मामले में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। तो वहीं उन्होंने सीएम भूपेश के राज्यपाल के अधिकारों पर सवाल उठाने पर भी निशाना साधा है और कहा है कि सीएम को फोबिया हो गया है, उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के कारण और वो धर्मांतरण को छत्तीसगढ़ में बढ़ावा दे रहे हैं, पूरे देश में बढ़ावा दे रहे हैं और इसके विरोध में टीएमसी है कि जो लोग अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं, अपनी परंपरा को छोड़ देते हैं, अपने धर्म को छोड़ देते हैं, उनका आरक्षण समाप्त होना चाहिए। बघेल जी, जिन्होंने आपको शपथ दिलाई जिस संविधान के तहत आप मुख्यमंत्री बने हो और आप उसी संविधान के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, मुझे लगता है आप तो अब राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए। अब संविधान, संसद और राष्ट्रपति, इसके बारे में आप चर्चा करने लगे। जरा पहले छत्तीसगढ़ की चिंता कर लीजिए, उसके बाद में राज्यपाल के अधिकारों की चिंता करिएगा। और खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के धर्मांतरण वाले बयान पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां बीजेपी को धर्मांतरण और सांप्रदायिकता देखने को मिलती है और इसी आधार पर बीजेपी वोट मांगती है। जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है उन उन राज्यों में धर्मांतरण और सांप्रदायिकता इसका प्री विषय है, क्योंकि इसी के आधार पे भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती रही। उत्तर प्रदेश में जब था वो चरम में था, बिहार में था, आसाम में था, वो हर जगह इस प्रकार के उनके इसी एजेंडा पे चुनाव लड़ते हैं। तो जहाँ जहाँ चुनाव होता है वो इसी एजेंडा में काम करते हैं। इनके पास इनके अलावा और इनके पास है भी कुछ नहीं।